नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं TV24। रंगों के त्योहार होली का हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और बॉलीवुड के गानों पर नाच गाकर हर कोई इस रंगीले त्योहार पर खूब मस्ती करता है। लेकिन बॉलीवुड के एक गाने को बजाए बिना होली का त्योहार फीका लगता है। ये गाना है अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक फिल्म सिलसिला का रंग बरसे सॉन्ग। होली पर जब ये गाना बजता है तो हर किसी के पैर अपने आप ही थिरकने लगते हैं। सालों से इस गाने का मैजिक बरकरार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस क्लासिक सॉन्ग के पीछे की कहानी क्या है? आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर रंग बरसे गाना कैसे बना था। दरअसल यश चोपड़ा की शानदार रोमांटिक ड्रामा फिल्म सिलसिला 1981 में आई थी। इस फिल्म के बेहद पॉपुलर सॉन्ग रंग बरसे को अमिताभ बच्चन, रेखा, संजीव कुमार और जया बच्चन पर फिल्माया गया था। इस 6 मिनट 6 सेकंड के आइकॉनिक सॉन्ग को खुद अमिताभ बच्चन ने गाया था और उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने इसके लिरिक्स लिखे थे। यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस सॉन्ग के म्यूजिक कंपोजर शिव हरी थे। रंग बरसे की मेकिंग कैसे हुई थी, इसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल एक खुलासा हुआ था कि जब आरके स्टूडियो में ग्रैंड होली पार्टी हुआ करती थी तो फिल्म इंडस्ट्री के सभी स्टार्स इस पार्टी में शामिल होते थे। इस दौरान ये कलाकार अपने टैलेंट को भी पेश करते थे। वहीं एक बार राज कपूर की इस फेमस होली पार्टी में बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन भी पहुंचे थे। उस समय अमिताभ का करियर ग्राफ काफी खराब चल रहा था, उनकी 9 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। पार्टी में राज कपूर ने अमिताभ से कहा, आज कुछ अपना टैलेंट दिखा कर धमाल कर दो। इस पर अमिताभ बच्चन ने अपने पिता से सुने गाने रंग बरसे को पार्टी में सुनाया और फिर क्या था, अमिताभ की आवाज का जादू यश चोपड़ा पर चल गया। इसके बाद यश चोपड़ा ने अमिताभ को सिलसिला में लिया और रंग बरसे के लिरिक्स को एक्टर के पिता हरिवंश राय बच्चन से लिखवाया। इसके बाद अमिताभ ने फिल्म में इस आइकॉनिक गाने को अपनी आवाज में गाया। फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन ये गाना अमर हो गया। बता दें कि रंग बरसे सॉन्ग रियल में मीरा के एक पारंपरिक भजन पर आधारित था। भले ही लिरिक्स कवि हरिवंश राय बच्चन के थे और सॉन्ग शिव हरी ने कंपोज किया था, लेकिन ओरिजिनल सॉन्ग रंग बरसे ओ मेरा भवन में रंग बरसे है। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV24।